हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर रोक। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। अगली तारीख पर महाधिवक्ता को उपस्थित रहने का निर्देश। तो क्या है पूरा मामला, तो आइए पूरे वीडियो को देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक के वकील सुरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिव्यांग कोटि के नेत्रहीन दिव्यांग के लिए 1% आरक्षण का कानून में प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार ने 34,580 शिक्षकों की गत बहाली के दौरान मात्र 98 उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया, जबकि 345 उम्मीदवारों को लाभ देना था। उनका कहना था कि पिछली बार बहाली में 247 सीटें बची रह गई जिसे इस बार की बहाली में देना था, लेकिन इस बार के लिए निकले विज्ञापन संख्या 1142 दिनांक 1 जुलाई 2019 में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने आवेदन की ओर से लोकहित याचिका दायर कर विज्ञापन को चुनौती दी है। उनका कहना है कि कानून तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वही राज्य सरकार की ओर से कोर्ट ने बताया कि इस मामले में महाधिवक्ता खुद बात करेंगे। छठे चरण का जो शिक्षक नियोजन चल रहा है माध्यमिक का, उसके बारे में दिया गया है, क्योंकि विज्ञापन संख्या 1142 जो छठे चरण का माध्यमिक का नियोजन हो रहा है उसका है। वही राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि इस मामले में महाधिवक्ता खुद बहस करेंगे। महाधिवक्ता के उपस्थित नहीं रहने के कारण मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध कोर्ट ने इससे किया गया। कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए बहाली पर रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त तय की। साथ ही अगली तारीख पर महाधिवक्ता को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।